पहला माउंट जो मिरर माउंट है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, और जो ब्रैकेट वाला हैंडल बार माउंट है वो मैंने एक यहाँ पे लगाया है। जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, एंड आई होप आप सबकी जो दिवाली है अच्छी गई होगी। और अभी मैंने बैक टू बैक वीडियो डालना स्टार्ट किया है, और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं हैंडल बार माउंट का फॉर Insta360X3। और ये मैंने मंगवाया है Amazon से मोटोवॉल्फ का मोटरसाइकिल कैमरा ब्रैकेट, जो कि एक हैंडल बार माउंट है। इसमें आप अपना GoPro और Insta360 कहीं भी माउंट कर सकते हैं यूजिंग दिस हैंडल बार माउंट। इसका जो प्राइस है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, और अभी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम। ये इसका बॉक्स है, तो ये जो एक्सेसरीज है इसमें मिलती हैं। तो ये मेन हमारा हैंडल बार माउंट है, और इसको माउंट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस ब्रैकेट को आप मिरर में माउंट करके अपने माउंट को इस पर फिट कर सकते हैं। और इसके साथ आपको दो अलग हैंडल बार माउंट भी मिलते हैं। तो ये एक बड़ा माउंट है बड़े हैंडल बार के लिए, और ये एक छोटा माउंट है छोटे हैंडल बार माउंट के लिए। ये इसमें नट्स मिल जाते हैं जिसको यूज़ करके हम अपने हैंडल बार माउंट को टाइट कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग जगह एडजस्टमेंट मिल जाती है, तो ये जो नॉब है इसको ढीला करना है, और यहाँ पे आप नीचे से 360 डिग्री से घुमा सकते हैं, और ऊपर से भी आप इसे 360 घुमा सकते हैं। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, मुझे हाथ में फील हो रहा है। मेटल है, एल्युमिनियम, और ऊपर GoPro माउंट दिया गया है, और इसे आप निकाल भी सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना Insta360X3 लगाना है, तो उसके लिए 1/4 इंच माउंट मिल जाता है, और इसमें हम अपना Insta360X3 लगा सकते हैं। और अभी हम अपने बाइक के पास चलते हैं और इस माउंट को अपने बाइक पे लगाते हैं, देखते हैं कौन सा माउंट सही रहेगा। तो ये हैंडल बार माउंट का ब्रैकेट है, एक तो मिरर माउंट है, इसको यहाँ पे माउंट कर सकते हैं जो मिरर वाली जगह है वहाँ पे। और इसके लिए आपको जो नट है वो अलग से लेना पड़ेगा, इसके साथ नहीं आता। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे, ये जो चीज़ है, और यहाँ पे माउंट कर सकते हैं मिरर माउंट। तो इस नॉब के थ्रू आप टाइट और लूज़ कर सकते हैं इस माउंट को। अभी मैं लूज़ करके यहाँ पे लगाऊंगा, और इसके बाद इसे टाइट कर देंगे। और जो नीचे वाले बोल्ट्स हैं वो भी आपको रिंच से टाइट करने हैं जो इसके साथ में मिलती हैं। और जो हैंडल बार माउंट है अभी लग चुका है, एंड अभी मैं मोटर ब्लॉक सेटअप पे आ गया हूँ, और जो मेरा Insta360X3 वाला माउंट था वो मैंने लगा लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला माउंट जो है मैं मिरर माउंट पे लगा लेता हूँ, और जो हैंडल बार माउंट है वो मैं बैक साइड पे लगा लूँगा परमानेंट। तो ये होगा कि जो मुझे माउंट है अगर पीछे लगाना होगा तो बार बार खोलना नहीं पड़ेगा, तो मिरर माउंट जो है वो आगे लगा रहेगा, और जो हैंडल बार वाला माउंट है वो पीछे जगह है पिलियन के हैंडल का पकड़ने का, वहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से फ्रंट और बैक के शॉट लेने में दिक्कत नहीं होगी मुझे। एक तो ठंड की वजह से आजकल धूप भी बहुत जल्दी चली जाती है। यहाँ से लगवाते हैं, यहीं से लीवर गार्ड लगवाए थे मैंने। तो ये जो दूसरा माउंट है मैं यहाँ पे पिलियन फीट के हैंडल बार पे लगाने वाला हूँ। तो कल काफ़ी लेट हो गया था, उसकी वजह से मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया था, और आज नेक्स्ट डे मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैंने दो माउंट लगवाए थे, पहला माउंट जो मिरर माउंट है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, और जो ब्रैकेट वाला हैंडल बार माउंट है वो मैंने एक यहाँ पे लगाया है। और ये जो ऊपर वाला मैकेनिज्म है इसे मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से फ्रंट में और बैक में, और जो माउंट वाली ब्रैकेट है ये मुझे बार बार नहीं खोलनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने जो मिरर वाला माउंट है यहाँ पे लगा लिया था। तो अभी एक छोटी सी राइड पे चलते हैं, और उसके बाद आगे चल के हम Insta360 लगाएंगे इनविजिबल सेल्फी स्टिक के साथ बैक में और फ्रंट में। ये आगे कुत्तों की फौज। भाई क्या क्या मसला हो गया, इतना झुंड इकट्ठा किया है। और ये दोनों माउंट लगाने के बाद जो शॉट्स हैं बहुत खतरनाक शॉट्स आने वाले हैं। और यहाँ पे छठ पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं, कल इसका भी ब्लॉग मैं बना लूँगा। काफ़ी भीड़ रहती है, एक रिएक्शन वीडियो अच्छी सी काफ़ी बन जाएगी। तो अभी सीधा हाईवे पे चलते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह पे Insta360 इनविजिबल सेल्फी स्टिक के साथ लगाना थोड़ा दिक्कत देगा। तो हाईवे पे लगाएंगे जाके हम, पूरा जो ये रोड है ना सजा रहेगा, और यहाँ से लेके वहाँ आखिरी तक भीड़ होती बहुत। तो अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं, और जो इनविजिबल सेल्फी स्टिक और Insta360 वो मैं अभी लगा लेता हूँ, और देखते हैं शॉट्स कैसे आते हैं फिर। ये वाला जो माउंट है मैंने एकदम टाइट करके लगा दिया है, और इस पर हम लगाएंगे पहले अपनी इनविजिबल सेल्फी स्टिक, और उसके ऊपर Insta360 प्रॉपर इसको टाइट कर देंगे, और इसे लगा देंगे हम अपने माउंट में। और प्रॉपर इसको टाइट कर देना है, और चेक कर लेना है कि ये लूज तो नहीं या मूव तो नहीं हो रहा। तो इट्स टाइट, और स्टिक को हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो लास्ट वाले दो सेक्शन है उसको मैं बंद कर दूंगा, नहीं तो ज़्यादा वॉबल करेगा कैमरा। तो ये हमारा सेटअप है Insta360 का बैकग्राउंड से, और ज़्यादा फास्ट नहीं चलाऊंगा, वॉबल तो कर रहा है लेकिन
प्रॉपर फिट है। इस कैमरे का दिक्कत ये रहता है, एक बार गिर गया तो गया। रिकॉर्डिंग में प्रेस कर रहा हूँ और जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट हो चुकी है। एक बार और चेक कर लूँ, डर लग रहा है मुझे। प्रॉपर टाइट है, सो लेट्स गो, लेट्स सी शॉर्ट्स कैसे आते हैं। डर तो काफ़ी लग रहा है मुझे। मैंने जो 50,000 का कैमरा है पीछे लगा के रखा है, कोई हाथ मार के भी ले जाए। बस बार बार मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि लग रहा है मुझे डर कहीं गिर ना जाए। और शॉर्ट्स आप बताओ मुझे कैसे आ रहे हैं। जय माता दी। एक बार उतर के चेक कर रहा हूँ कि लूज तो नहीं हुआ, फिर उसके बाद भगा भी सकते हैं। लेट मी चेक। एक शॉट सेल्फी स्टिक को बिना एक्सटेंड किए लेते हैं, देखते हैं कैसा आता है। अभी मुझे इसमें एक सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा, बाई चांस अगर गिर जाता है, नीचे ना गिरे, लटक जाए, ऐसा कुछ फील करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऐसे तो हमेशा रिस्क होगा और पीछे मैं देख नहीं सकता हूँ हर टाइम। देखते हैं, मेरे को लगता है लूज हुआ है शायद थोड़ा सा, तो इसी बात का डर था मेरे को। ये साइड में लूज हो गया, अच्छा पूरा ही घूम गया, वाह। तो इसी बात की टेंशन थी मुझे, इसलिए मैं हाई स्पीड में नहीं चला रहा था। ये वाला जो एरिया ना स्लिपरी है, यहाँ पे मुझे रबड़ लगा के फिर टाइट करना पड़ेगा। अभी जो माउंट है मैं अपना फ्रंट पे लगा लेता हूँ। जब भी माउंट को आपने चेंज करना है, यहाँ से आपको ढीला करना है नॉब और आपका माउंट जो है निकल जाएगा, और यहाँ पे लगा के फिर टाइट करना। ये वाले एंगल पे सेट कर रहा हूँ मैं। तो जो अभी मैंने है कैमरा इन विजुअल सेल्फी स्टिक के साथ आगे माउंट कर दिया है, तो दो शॉट्स लेंगे। एक में मैं ऐसे ही रखूँगा, सेल्फी स्टिक एक्सटेंड नहीं करूँगा, और दूसरे में एक्सटेंड करेंगे, देखते हैं कैसे शॉट्स आते हैं। हमेशा एक बार प्रॉपर चेक कर लेना है भाई, 50,000 का कैमरा है, चेक तो करना ही पड़ेगा। सो लेट्स गो। तो ऐसे वॉबल करती है, ऐसी की टेंशन होती है कि लूज ना हो जाए। तो फ्रंट में लूज तो नहीं हुआ, अभी सेल्फी स्टिक को एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट का जो सेक्शन है, दो सेक्शन, वो नहीं खोल रहा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वॉबल आता है इसलिए। और लेट्स सी शॉर्ट्स कैसे आते हैं। वॉबल काफ़ी कर रहा है। इस सेल्फी स्टिक को आप रेगुलर ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे आपको यूज़ करना है शॉट लेना है वहाँ पे आप नॉर्मल 30-40 या 50 की स्पीड पे शॉट्स लो, और उसके बाद इसे बंद कर दो। 30-40 सेकंड का शॉट बहुत है, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क रहता है जो सेल्फी स्टिक है कितना वॉबल कर रही है उसकी वजह से। और कैमरा बहुत महंगा है। इतना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेंगे। अभी आपको मैं तीसरा एंगल बता देता हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं आपको। तो इसे टाइट ही रहने देंगे, अपना जो कैमरा है वो निकाल लेंगे हम, और सेल्फी स्टिक को भी अभी मैं निकाल देता हूँ, और कैमरे को डायरेक्ट माउंट कर रहा हूँ मैं अपने हैंडल बार माउंट पे, और इसे लूज करके मैं सेंटर में कर रहा हूँ ताकि मुझे मीटर का भी व्यू मिले। देखता हूँ ये वाला एंगल कैसा रहता है। प्रॉपर इसे टाइट कर देंगे भाई। ये वाला जो सेटअप है दूर से तो बहुत ख़तरनाक लग रहा है, चेक डैशबोर्ड में ना देखो कितना ख़तरनाक लग रहा है। ये वाला एंगल मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद फोर्थ एंगल भी है हमारे पास। वैसे ये वाला जो माउंट एरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फेस के सामने रहेगा एकदम कैमरा, मीटर का व्यू भी आएगा और मेरा व्यू भी आएगा, डेट्स कूल। और अभी हम माउंट करेंगे अपने बाइजर वाले माउंट पे। सिंपली इसे मैं निकाल लूँगा। अपना माउंट आपको हमेशा चेक करना है कि लूज तो नहीं है, इससे ये रहेगा आपका कैमरा बच जाएगा, क्योंकि अगर ये वाइल्ड राइडिंग गिरा तो कैमरे का कुछ नहीं बचने वाला, कीप डैट इन माइंड। तो ये है अपना लास्ट एंगल, ये वाली वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर ये वाला प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे बाय भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपको आइयो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आइयो, सी यू एंड गुड बाय। बढ़िया।
पीवी ते ही प्रो राइडर। हाँ हाँ आ जाऊंगी।